श्री माता वैष्णो देवी भवन से आप सभी को जय माता दी। NH1 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत और मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी भवन से लाइव हैं, आप सभी जल्दी लाइव जुड़ जाएं। इस समय हम भवन से रात्रि के समय का नज़ारा दिखा रहे हैं जो कि लाइटों से जगमगाता हुआ माँ का दरबार, जो कि अद्भुत नज़ारा रहता है माँ के दरबार का। आप सभी जल्दी लाइव जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जय माता दी लिखें। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे जाने का भी कहने के नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल इस समय देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सबसे पहले हम आपको जो कि गणपति महाराज जी के दर्शन करवाना चाहेंगे, जो कि डेकोरेशन में सबसे पहले जब भी आप भवन पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं आपको गणपति महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप जल्दी लाइव जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से जय माता दी लिखें। और कहीं ना कहीं इस समय हम भवन से आप सबके साथ लाइव हैं और देख सकते हैं, जैसे कि फूलों की डेकोरेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भवन का नज़ारा अद्भुत रहता है इन शारदीय नवरात्रों को लेकर। ये देख सकते हैं आप लाइटों से जगमगाता हुआ चाहे माँ का भवन हो चाहे माँ के भवन का ट्रैक हो, ये आप कहीं ना कहीं नज़ारा जो रहता है वो अद्भुत रहता है। आप सभी जल्दी लाइव जुट जाएँ और जय माता दी ज़रूर लिखें। ये हम फूलों का नज़ारा दिखाएंगे जो कि देश विदेशों के फूलों से माँ के दरबार को सजाया जाता है। ये तिरंगा लाइट भी कहने के यहाँ पे लगाई दी गई है, देख सकते हैं आप, ये भी कहने की नज़ारा बेहतरीन है। ध्वज के हम इस समय दर्शन करवाएंगे, कहने की ध्वज का भी कहने की चित्र बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप फूलों की माध्यम से। ये भी कहने की अद्भुत नज़ारा है। तो फिलहाल इस समय देख सकते हैं आप भारी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के भवन पर पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इन शारदीय नवरात्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिस्सा में माँ के दरबार पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे चलने के बाद कहीं ना कहीं हम फूलों की डेकोरेशन दिखाएंगे, क्योंकि इन शारदीय नवरात्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फूलों की बात की जाए तो लगभग देश विदेशी से फूलों से कहीं ना कहीं माँ के भवन को सजाया जाता है। तो हम भी चाह रहे थे कि आपको भी NH1 न्यूज़ के माध्यम से इस समय रात्रि का भी नज़ारा भवन से दिखाएंगे, क्योंकि भवन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। ये देख सकते हैं आप रात्रि के समय का जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं अद्भुत है। जय माता दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए आप, और हम भी आपसे अनुरोध करेंगे ज़रूर इन शारदीय नवरात्रों में महामाई के दर्शनों के लिए आएँ और भवन का लुत्फ उठाएँ। तो ये देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं सब कहीं ना कहीं महामाई के दरबार को अपने फ़ोन में कैद करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं हम कहीं और भी श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको महामाई के दरबार पर पहुंच के कैसा लग रहा है। सर जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? मैं नाम दिव्यांश तिवारी है। कहां से आए आप? मैं गोरखपुर यूपी। पहले भी आए होंगे? जी पहली बार है। नवरात्रों में पहले भी आए होंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत, एकदम मन प्रसन्न हो गया। और कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि माता रानी के दरबार में आप आए, उनसे जो भी आपकी मनोकामना हो पूरी हो, और जय माता दी। जय माता दी, धन्यवाद। तो देख सकते हैं कहने के जो भी श्रद्धालु उस समय माँ के दरबार पर पहुँच रहे हैं सबका मन मोहित हो जाता है। और यहाँ पे एक मैम से बात करेंगे। जय माता दी मैम, क्या नाम है आपका? जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आप आए? कठुआ से। मैम पहले भी आप आए होंगे? हाँ जी। नवरात्रों में अब कैसा लग रहा है आपको कहने के माँ के दरबार पर आप आए? अच्छा लग रहा है, अच्छी सजावट है। और फूलों की बात की जाए तो फूल बड़े अच्छे हैं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल लग रहे हैं। जय माता दी। तो देख सकते हैं एक कठुआ से मैम आए हुए हैं कहने की माँ माई के दरबार पर, और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु कहने की माँ माई के दरबार इन शारदीय नवरात्रों में आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको कहना कहीं और भी नज़ारा दिखाएंगे, और जो भी विभिन्न प्रकारों की यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस समय देख सकते हैं कहीं ना कहीं भवन की बात की जाए तो जो भी श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं और
कहीं ना कहीं सबका मनमोहिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस समय भवन पर पहुंच चुका हूं। इस समय हम आपको NH1 न्यूज़ के माध्यम से लाइव भवन से ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं देश विदेशी फूलों से कहीं ना कहीं माँ के भवन को सजाया गया, और देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं माँ को भी लिखा गया है इन फूलों की नज़ारों से। ये भी ऐसी कहा जाता है कि इन फूलों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 5-6-7 करोड़ के बीच में इसकी लागत रहती है। अब इस बात की हम पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर कितना इसकी लागत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 5-6 करोड़ इसकी कहीं ना कहीं जो भी खर्चा आता है, और जो इसे के गुप्ता जी कराते हैं, के शर्मा शायद उनका नाम मुझे भूल रहा है, कोई बात नहीं, हम किसी और से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन इसे करवाते हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे चलेंगे और देख सकते हैं हम जो भी श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं भवन को अपने मोबाइल स्क्रीन पर कैद करते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आखिर उनको महामाई के दरबार इन शारदीय नवरात्रों में हाजिरी लगाकर कैसा लग रहा है। सबसे पहले पाजी से बात करेंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। क्या नाम है आपका? सरनजीत सिंह। कहाँ से आए? फरीदाबाद। दर्शन कर लिए? कैसे दर्शन हुए? अच्छे से। थोड़ा सा अपनी यात्रा के बारे में अपना अनुभव बताएं, कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छे से रही। हम बहुत आदमी आए हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए? हाँ जी, हमारी टीम है पूरी। चलिए सब बोल के एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो देख सकते हैं कि ना कि जो भी श्रद्धालु इस समय भवन में पहुंच रहे हैं सबका मनमोहिक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ना कि भवन की फूलों की जो बात की जाए तो ये देश विदेशों के फूलों से सजाया जाता है, और विभिन्न प्रकारों की कहीं ना कहीं मूर्तियाँ भी यहाँ पे बनाई गई है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइव वीडियो शेयर करके जय माता दी जरूर लिखें, और आप ये भी बताएं कि इस समय आप हमारा लाइव कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम इस समय NH1 न्यूज़ के माध्यम से आप सबके साथ लाइव है। और कहीं ना कहीं हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सब जो भी हमारे साथ जो भी व्यूवर्स जुड़े हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो भी इन शारदीय नवरात्रों में हमारे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें हम माँ के दरबार का नज़ारा दिखा दें और माँ के दरबार के दर्शन करवा दें। तो चलिए और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, और आगे चलने के बाद मैं दिखाना चाहूँगा ये सामने आप विभिन्न प्रकारों की मूर्तियाँ जो बनी हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जरूर बताएं कि आप ये हमारा लाइव कहां से देख रहे हैं, और हम आपका नाम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये नज़ारा देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो इस नज़ारे को कैद करते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और कहीं ना कहीं भवन का भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे, रात्रि के समय का जो अद्भुत नज़ारा रहता है। इस समय आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि स्काई वॉक से होते हुए कहीं ना कहीं महामाई के दरबार जा रहे हैं। ये यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, और ये स्काई वॉक है, इससे होते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालु महामाई के दरबार पहुंच रहे हैं, महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये दिखाएंगे आप, क्योंकि इस समय ये स्काई वॉक, कैमरामैन को कहूँगा कि आप थोड़ा सा फोकस करिए ऊपर स्काई वॉक पर, क्योंकि यहीं से होते हुए महामाई का दरबार जा रहे हैं। चलिए कुछ श्रद्धालु जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। सौरभ वर्मा जी, जय माता दी। शुभम जी, जय माता दी। ये ज़रूर बताएं कि आप ये कहां से देख रहे हैं। संजीव जी, जय माता दी। अग्रवाल, जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। तो ये ज़रूर बताएं कि ये लाइव आप हमारा कहां से देख रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं महामाई के दरबार से आपका नाम लेंगे, और महामाई से प्रार्थना करेंगे कि आपको भी कहीं ना कहीं अपने दरबार पर बुलाए, क्योंकि इस समय भवन से अगर आपका नाम लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली होंगे। इन शारदीय नवरात्रों में आप सबका नाम माँ के भवन पे गूंजेगा और माँ के कानों तक ये आवाज़ पहुँचेगी। तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा जय माता लिखिएगा, क्योंकि आप इस समय भाग्यशाली हैं जो कि आप भवन से महामाई के दरबार का ये नज़ारा देख रहे हैं। सुदेश कुमार जी, जय माता दी। आप सभी को जय माता दी। लाइव वीडियो शेयर जरूर करिएगा। कुछ और भी श्रद्धालुओं से यहाँ पे बात करेंगे हम। फिलहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं, महामाई के दरबार का नज़ारा दिखाते हैं। माँ भगवती यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, जो भी श्रद्धालु महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं इनसे बात करते हैं।
देख सकते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? विश्व नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं बालूगढ़ से। तो कैसा लग रहा है आप महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं? सबसे पहले अच्छा लग रहा है। नवरात्रों में पहली बार आएंगी? पहले भी आते रहते हैं? आते रहते हैं। आप भी जो इस बार का नज़ारा देख कर क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छा लग रहा है। ये तो नवरात्रों में तो है ही है। फूलों की बात की जाए तो लगभग देश विदेश से सजाया जाता है, कैसा इसके बारे में क्या कहना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। जय माता।